हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में बिरयानी राइस कैसे बना के रखते हैं। अगर आपने बिरयानी राइस बनाना सीख लिए तो आप कोई भी बिरयानी 10 से 15 मिनट के अंदर इजीली बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है वो बिरयानी राइस जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये राइस जिसने बनाना सीख लिया वो बिरयानी में अच्छा मसालों का फ्लेवर निकाल सकता है और विदाउट फूड कलर बनाएंगे, किसी भी फूड कलर का यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको एक कलर बनाना भी सिखाऊंगा। और ये दूसरी प्रकार के बिरयानी राइस हैं। ये दोनों राइस बनाना सीख लीजिए, आपको बिरयानी बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपकी जो बिरयानी है एकदम खिली खिली बनेगी। तो यहाँ पे मैंने बिरयानी राइस बनाने के लिए दो अलग अलग बाउल में बासमती राइस लिए हैं। अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस का यूज़ करें और लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस का यूज़ करें बिरयानी राइस बनाने के लिए। तो सबसे पहला काम होता है हमारा राइस को अच्छे से धोना। तो एक बाउल लेंगे और ये जो राइस है एक बाउल में डाल देंगे। रेसिपी को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपने वीडियो पूरा देखना है तभी आप प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे। इसके बाद मैं आपको काफ़ी सारी इन राइस से बिरयानियाँ बनाना भी सिखाऊंगा। तो ये देखिए, राइस को धोने का भी तरीका होता है, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपने राइस को ऐसे धोना होता है, मसलना नहीं है बस राइस को। ज़्यादा मसल के अगर आप राइस को धोएंगे तो उससे आपके राइस टूट जाएंगे। तो 3 से 4 पानी से आपने राइस को अच्छे से धो देना है, फिर आपने इनको सोक करना है। तो 30 मिनट तक आपने कम से कम राइस को सोक करना होता है। 30 मिनट के ज़्यादा भी आप राइस को सोक कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा तक भी आप राइस को सोक कर सकते हैं। तो देखिए, पूरे 30 मिनट यहाँ पे राइस को भीगते हो चुके हैं। तो अभी हम इनको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है। अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक आपने इतना डालना है कि राइस में अच्छा सॉल्ट का टेस्ट आ जाए। तो 2 छोटे चम्मच यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला है। थोड़े से होल स्पाइसी डालेंगे, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, दालचीनी और तेजपत्ता। मेजरमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 1/2 छोटा चम्मच इसमें शाही जीरा डालेंगे और 2 छोटे चम्मच इसमें भर के ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल डालने से क्या होता है, राइस आपस में चिपकते नहीं है। तो हांडी को मैंने ऊपर से कवर कर दिया और 10 से 15 मिनट तक हम पानी को बॉयल होने देंगे होल स्पाइसीज के साथ। ऐसा करने से क्या होता है, होल स्पाइसीज का जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर आ जाता है और पानी के अंदर फ्लेवर आएगा तो जब राइस को बॉईल करेंगे तो राइस में भी मसालों का अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और राइस का आपने पूरा पानी निकाल के राइस को पानी के अंदर बॉईल करने के लिए डाल देना है। और जब भी आप राइस को पानी के अंदर बॉईल करने के लिए डालें तो एक बार राइस को जरूर हिला दें, नहीं तो कई बार राइस में लम्स बन जाते हैं। तो हाई फ्लेम में पहले एक बार बॉईल आने देते हैं और उसके बाद आपने गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम में हम राइस की बॉइलिंग करेंगे। पूरे 7 से 8 मिनट लगते हैं लगभग राइस बॉईल करने के लिए। तो बस आपने ज़्यादा इसके बाद पलटा नहीं चलाना है, ज़्यादा राइस को हिलाना नहीं है। अगर आप ज़्यादा हिलाएंगे राइस को तो राइस टूट जाते हैं। तो देखिए, इस फ्लेम में आपने राइस को अच्छे से बॉईल होने देना है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता चलता है राइस बॉईल हुए हैं नहीं हुए हैं। तो देखिए, राइस को बॉईल होते हुए लगभग 6 मिनट हो चुके हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं राइस कितने पके हैं हमारे। तो देखिए, दबा के आपने देख लेना है। देखिए, आपको दिख रहा है कि इसके जो दाने हैं वो एक एक टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, मतलब राइस अच्छे से पके नहीं है। तो ये देखिए, राइस को बॉईल होते हुए लगभग 8 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ राइस का पता कैसे चलता है, राइस पूरे पके हैं नहीं पके हैं। देख सकते हैं, राइस को दबा के देखना आपने, राइस को दबा के देखिए, राइस आराम से दब रहा है, सॉफ्ट हो चुका है, मतलब राइस हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और बंद करने के बाद राइस को आपने कम से कम 30 सेकंड तक पानी के अंदर छोड़ देना है। 30 सेकंड तक आप पानी के अंदर राइस को छोड़ोगे तो राइस एकदम सॉफ्ट बनेंगे आपके। मैं यहाँ पे राइस को स्पाइडर की सहायता से स्ट्रेन कर रहा हूँ, आप इनको डायरेक्ट स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर सकते हैं। और 2 से 3 मिनट के बाद स्ट्रेन करने के बाद आपने राइस को हिलाना नहीं है, कम से कम 3 मिनट के बाद आप राइस को एक बार पलटी कर दीजिए। ऐसा करने से आपके नीचे के राइस एकदम सॉफ्ट रहेंगे और ऊपर के राइस नीचे चलेंगे, वो भी एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो ये हमारे एक तरह के बिरयानी राइस बनके तैयार हो चुके हैं। अब दूसरी तरह के बिरयानी राइस बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और 1 छोटा चम्मच भर के देसी घी डालेंगे। 2 तेज़पत्ता, 5 से 6 छोटी इलायची ऐड करेंगे इसके अंदर। 4 से 5 इसमें लौंग ऐड करेंगे। 1 पीस इसमें जावित्री डालेंगे और 1 बड़ा सा टुकड़ा आपने इसके अंदर दालचीनी का डाल देना है और 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। बस इतने होल स्पाइसेस काफ़ी होते हैं फ्लेवर आने के लिए बिरयानी में। तो इन मसालों को आपने थोड़ा सा तिड़कने देना है। फिर आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है 1 छोटा चम्मच। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से पका लेना है। बिरयानी राइस में जो दम बिरयानी राइस बनाते हैं उसमें अदरक लहसुन पेस्ट का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है यहाँ पे अच्छे से पक चुका है। फिर हमने इसके अंदर ग्रीन चिल्ली ऐड करनी है। तो 4 ग्रीन चिल्ली ली थी मैंने, जिसको स्लिट करके ऐड किया है। 1/2 छोटा चम्मच इसमें शाही जीरा ऐड करेंगे। फ्रेश मिंट डालेंगे इसके अंदर
और इनको भी आपने हल्का सा सौते कर लेना है, थोड़ा सा पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ही सौते करना है। फिर इसके अंदर साथ साथ में पानी ऐड कर देना है। तो अब पानी कितना डालना है, एक बाउल मैंने यहाँ पे राइस का लिया था तो डेढ़ बाउल हम पानी का ऐड करेंगे। दम लगाने के लिए मेन पानी की ही दिक्कत आती है, कई बार पानी ज़्यादा होता है तो कई बार पानी कम हो जाता है। तो अब डेढ़ बाउल पानी का इसमें ऐड करें और सॉल्ट डाल देंगे, एक छोटा चम्मच सॉल्ट ऐड किया है, और साथ में इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे, रोज़ बटर डालेंगे। इनका काफ़ी अच्छा फ्लेवर रहता है बिरयानी राइस में। अगर आपकी बिरयानी राइस अच्छे फ्लेवरफुल होंगे तो आपकी बिरयानी खाने में काफ़ी टेस्टी बनेगी। थोड़ा सा इसमें ब्राउन प्याज भी ऐड कर देंगे। अगर आपको ब्राउन प्याज बनाना नहीं आता है तो लास्ट वीक ही मैंने ब्राउन प्याज करने की वीडियो अपलोड की थी, आप सीख लीजिएगा। तो देखिए पानी में बॉयल आ चुका है, फिर आपने इसके अंदर राइस भी ऐड कर देने हैं। तो राइस का पानी पूरा आपने निकाल देना है और राइस को आपने पानी में डालने के बाद राइस को आपने एक बार हिला देना है, पलटे से चला देना है ताकि राइस में लम्स ना बने। अब मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया कि अगर आपने एक बॉल राइस का लेना है तो डेढ़ बॉल पानी का ऐड करना है। देखिए बॉल से नाप के तो दिखा दिए, एक और तरीका इनको नापने का, आप पानी में अपना हाथ डाल के देखिए और इसमें देख सकते हैं जो आपको निशान दिख रहा है ना, यहाँ तक अगर आपका पानी है तो पानी एकदम परफेक्ट है। हम ऐसे भी चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइस में बॉयल आ चुका है, गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम टू हाई रखी है। अगर आप घर की गैस में इनको बना रहे हैं तो आपने गैस की फ्लेम हाई रखनी है, हाई फ्लेम में आप इनको कुक कीजिए और बीच में आपने एक दो बार राइस को पलटे से हिला देना है, और ज़्यादा भी नहीं हिलाना है राइस को, नहीं तो राइस टूट जाते हैं। सिर्फ एक दो बार ही आपने इनमें पलटा चलाना है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि राइस में होल पड़ना शुरू हो चुके हैं, तो आपने इनको कवर कर देना है और डेढ़ से दो मिनट तक आपने इनको कवर करके पका लेना है। तब तक हम बिरयानी राइस का कलर बना लेते हैं। एक लेडल लेंगे और उसमें एक चम्मच घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद घी को थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आने देंगे। जैसे घी थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। देखिए 1/4 टीस्पून का यूज़ किया है मैंने, और चम्मच के साथ आपने हल्दी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देना है घी के साथ, और जल्दी से आपने इसके अंदर फ्रेश क्रीम भी ऐड कर देनी है और क्रीम और घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपकी क्रीम ज़्यादा थिक हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, और क्रीम को आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है थोड़ा सा, और गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। तो देखिए ये हमारा बिरयानी राइस के लिए कलर बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है। इस कलर से आप यूज़ करके देख सकते हैं इसको, और दो मिनट के बाद राइस भी चेक कर लेते हैं हमारे राइस कहाँ तक पहुँचे यहाँ पे। तो ये देखिए राइस का जो पानी है वो लगभग यहाँ पे सूख चुका है। तो इसके बाद आपने इसमें वो कलर ऐड करने हैं जो हमने अभी कलर बनाया था। तो ये देखिए ऐसे आपने कलर ऐसे डाल देना है, ज़्यादा थिक कलर ना बनाएं नहीं तो आपके राइस में अच्छे से पकड़ नहीं होगी इसकी। और एक छोटा चम्मच भर के इसमें देगी मिर्च का रोगन ऐड करेंगे, इससे अच्छा रेड कलर आएगा। अगर आपको ये कलर नहीं बनाने आता है तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि तंदूरी मैरिनेशन के लिए कलर कैसे बनाएं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। और इसके ऊपर ऐसे पेपर रोल लगा देंगे, देखिए पेपर रोल लगाने के बाद हल्का सा आपने इसके ऊपर पानी डालना है, पानी के छींटे मारने हैं, हल्के हल्के छींटे मारने हैं, इससे आपके राइस में अच्छे से दम लग जाएगा और स्टीम बाहर नहीं आएगी। और एकदम लो फ्लेम में आपने राइस को कम से कम 4 से 5 मिनट तक पकने देना है। तो पहले मैंने राइस को ओपन में 5 मिनट तक पकाया था, उसके बाद 2 मिनट तक मैंने कवर करके पकाया था, और 4 से 5 मिनट तक हम इनको दम लगा के पकाएंगे। और उसके बाद आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और राइस को एकदम से नहीं खोलना है, कम से कम 10 मिनट तक आपने राइस को ऐसे छोड़ देना है स्टीम के अंदर ही, और 10 मिनट के बाद इनको ओपन करेंगे। तो देखिए पहले पेपर रोल हटा देते हैं, और कलर देखिए अब राइस का कितना ज़बरदस्त, इनमें दो तरह के कलर आ रखे हैं। लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा ब्राउन प्याज डालना है। अब मेन स्टेप आता है कि जब भी आप बिरयानी राइस को खोलते हैं ना तो उनको पलटी करते हैं तो साइड से निकालना शुरू करें, बीच में कभी भी पलटा नहीं चलाना है, क्योंकि बीच में जो राइस होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और टूट जाते हैं। तो देखिए आपने इनको ऐसे पलटी करना है और हल्का हल्का सा पलटी करके आप इनको ऐसे छोड़ दीजिए, ठंडा होने के बाद अपने आप ही खिल जाते हैं, अपने आप ही अलग अलग हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं हिलाना है नहीं तो राइस टूट जाते हैं। बहुत ही जल्दी मैं आपको इन राइस से बनने वाली बिरयानी की रेसिपी भी शो करूँगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू।